नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिन महिलाओं में होते हैं ये लक्षण, वो होती हैं सबसे ज्यादा पवित्र और भाग्यशाली। ये लक्षण जान लेंगे तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, केवल विचार मात्र ही मानव चरित्र के प्रकाशक प्रतीत नहीं होते। मनुष्य का चरित्र विचार और आचार दोनों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, संसार में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जिनके विचार बहुत ही महान और आदर्शपूर्ण होते हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं उसके अनुरूप नहीं होती। दोस्तों, विचार पवित्र हो और कर्म आपावन हो तो ये सच्ची चरित्रता नहीं हुई। उसी प्रकार बहुत से लोग ऊपर से बड़े ही सत्यवादी और आदर्शवादी और धर्म कर्म करने वाले दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर कलुषपूर्ण विचारधारा बहती रहती है। ऐसे व्यक्ति सच्चे चरित्र वाले माने नहीं जाते। दोस्तों, सच्चा चरित्रवान वही है जो वास्तव में होता है, जो विचार और आचार दोनों को समान रूप से उच्च और पुनीत रखकर चलता है। दोस्तों, मनुष्य के चरित्र का निर्माण संस्कारों के आधार पर होता है। मनुष्य जिस प्रकार के संस्कार संचय करता है, उसी प्रकार उसका चरित्र ढलता रहता है। दोस्तों, अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए मनुष्य को अपने संस्कार का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता के भाव कूट कूट कर भरे हैं, और अधिकतर महिलाओं में ये भावनाएं होती भी हैं। इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। हर किसी का स्वभाव बहुत ही भिन्न भिन्न होता है, खासकर महिलाओं का। दोस्तों, जब पुरुष अपना जीवन साथी चुनता है तो वो सर्वगुण संपन्न लड़की चाहता है जिसमें विशेषकर वो भाग्यशाली हो। लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। ऐसे में जरूरी ये होता है कि कैसे पता लगाया जाए कौन सी महिला चरित्रहीन है और कौन सी महिला पवित्र है। दोस्तों, आज हम आपको महिलाओं के कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जो आपको एक पवित्र और अच्छी महिला की पहचान करने में मदद करेंगे। कौन से हैं वो लक्षण, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होठों के ऊपर हल्के हल्के बाल होते हैं, ऐसी महिलाएं अच्छे गुण वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं धर्म कर्म दान पुण्य करने में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती हैं, और ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर दो, दोस्तों, जिन महिलाओं के माथे पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली होती हैं। ये अपने पति का पूरा ख्याल रखती हैं और उनसे बेहद प्यार करती हैं, और खुद भी ये आत्मनिर्भर रहती हैं। नंबर तीन, दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के शरीर पर हल्के हल्के बाल होते हैं, ऐसी लड़कियों का दामन बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसी लड़कियों में माता सीता के गुण विद्यमान होते हैं और ये अपने घर और परिवार को हमेशा ही खुश रखती हैं। नंबर चार, दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों की भौं पतली होती है, ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहती हैं। हर सुख दुख में अपने पति का साथ देती हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है और ये बेहद संस्कारी होती हैं और पूजा पाठ धर्म और कर्म पर अत्यधिक विश्वास करती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।